सांपों को देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं अगर ये सांप हमें काट ले तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। और कहीं ना कहीं ये सोच गलत भी नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि सांप जहरीले होते हैं और अगर वो हमें काट ले तो हमारी मौत हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते? दुनिया भर में सांपों की तकरीबन 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है और उनमें से सिर्फ 500 ही जहरीली होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विश्व के 10 सबसे जहरीले सांप के बारे में बताऊंगा, जिनका काटा पानी भी नहीं मांगता। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल लाइट इन स्काई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आप आगे आने वाली हमारी इस चैनल की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को कभी मिस ना कर पाए। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। डेथ एडर। इस जहरीले सांप के हिसाब से इसका नाम बिल्कुल सही रखा गया है, डेथ एडर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यू गुइना में पाए जाते हैं। यह सांप दूसरे सांपों से बिल्कुल अलग है। यह सांप घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब कौन सा शिकार इनके सामने से गुजरे और ये उन पर हमला बोल दे। यहाँ तक कि ये दूसरे सांपों को भी नहीं छोड़ते। ये अपने शिकार के अंदर एक बार में 100 मिलीग्राम तक जहर छोड़ देते हैं और इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि ये जिसको काट ले उसकी धीरे धीरे तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाया जाता है। यह धरती पर सबसे तेज गति से चलने वाला सांप है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। और खतरा महसूस होने पर यह सांप लगातार 10 से 12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है, जबकि इसका 1 मिलीग्राम जहर ही किसी इंसान को मारने के लिए काफी होता है। सी स्नेक। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो कि एक समुद्री सांप होते हैं। ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है और इस सांप के जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदे ही हजार से ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतार सकती है। और जो कि ये समुद्र में पाए जाते हैं, इस वजह से जब वहाँ के मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं तो ज्यादातर वो उनका शिकार बन जाते हैं। इनलैंड ताइपन। जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे जहरीले होते हैं ये सांप। इसकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक का जहर होता है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं होता पर इतना खतरनाक होता है कि किसी सांप के 100 मिलीग्राम जहर से ही 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। अगर हम इस सांप के जहर को रैटल स्नेक और कोबरा की तुलना में देखें तो ये रैटल स्नेक के जहर से 10 गुना और कोबरा के जहर से 50 गुना तक खतरनाक होता है। आबादी वाले जगह में ये सांप रहना पसंद नहीं करते और फिर भी कभी गलती से इनका सामना इंसान से हो जाए तो उस इंसान का बच पाना नामुमकिन है। ब्लू क्रैथ। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये सांप भी डेथ एडर की तरह घात लगाकर दूसरे सांपों का शिकार करता है और ये सांप ज्यादातर रात को ही अपना शिकार ढूंढने निकलता है। ये सांप भी काफी जहरीले होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये डरपोक भी होते हैं। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ये सांप भी बहुत जहरीला होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जहर भी इतना ज्यादा घातक होता है कि इसके जहर का अगर 14,000वां हिस्सा भी किसी इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो समझो उसकी मौत पक्की। जैसा कि मैंने आपको इनलैंड स्नेक के बारे में बताया था कि वो आबादी वाले जगह में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन ये सांप ठीक उसका उल्टा है। ये सांप आबादी वाले क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं और इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान को मारने के लिए काफी है। इनकी गति बेहद तेज होती है और अगर इन्हें किसी से खतरा महसूस हुआ तो ये उनका पीछा करने लग जाते हैं और जब तक ये उन्हें काट ना ले तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ते और उन्हें काट कर ही दम लेते हैं। रैटल स्नेक। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला सबसे जहरीला सांप होता है। ये सांप अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्लों के कारण पहचाना जाता है और जब ये अपनी पूंछ को हिलाता है तो उसमें से मानो कुछ इस प्रकार आवाज आती है कि जैसे किसी बच्चे के झुनझुने से आ रही हो, और इसी वजह से इसका नाम रैटल स्नेक भी रखा गया है। ये सांप अपनी कुल लंबाई के 2x3 हिस्से तक किसी पर भी वार कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये सांप बहुत ही गुस्सैल होते हैं और इन सांपों में बड़े सांपों से ज्यादा इनके छोटे बच्चों में ज्यादा जहर पाया जाता है। 100 स्केल्ड वाइपर। वैसे तो ये सांप पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं और इनकी ज्यादातर प्रजातियां जहरीली होती है, लेकिन इनकी सबसे जहरीली प्रजाति 100 स्केल्ड वाइपर और चेन वाइपर होती है, जो कि भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। हमारे भारत में सांपों के काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार है।
ये सांप ज्यादातर बारिश के बाद अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं और सबसे ज्यादा इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। और ये भी बाकी सांपों की तरह इतने जहरीले होते हैं कि ये जिस इंसान को काट ले वो आधे घंटे में खत्म हो जाता है। टाइगर स्नेक, ये सांप भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूरोटॉक्सिक जहर भरा होता है और अगर ये सांप किसी इंसान को काट ले और इसका 24 घंटे में अगर इलाज ना हुआ तो उस इंसान की मौत होनी निश्चित है। फिलीपीन कोबरा, कोबरा सांप की ज्यादातर प्रजातियां जहरीली होती है पर इनमें से फिलीपीन कोबरा में सबसे ज्यादा जहर भरा होता है। और इस सांप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शिकार को डसता नहीं है बल्कि उसे डसने की वजह यह अपने शिकार पर दूर से ही जहर को थूक देता है। इसके जहर थूकने की क्षमता इतनी है कि अगर इससे कोई इंसान 3 मीटर दूर भी क्यों ना खड़ा हो ये उस पर अपना जहर आसानी से थूक सकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जो कि इसके शिकार के सीधा सांस और दिल पर असर करता है जिससे इसके शिकार का बच पाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।